हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेव हार्ट ईरान लेडी स्ट्रिप्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिजाब हरासमेंट। ओह, ये न्यूज मैंने भी सुनी है। ये न्यूज मैंने भी सुनी है। सुन ली आपने? अलग अलग सुनी है, अभी तक बात भी नहीं की है। यूएस में कुछ भी, ईरान में होगा तो न्यूज तो आएगी आएगी। अच्छा। तो ऐसी चलती है कंट्रीज तो, क्योंकि जहाँ पे इतनी टेंशन हो रही है ईरान के साथ, तो ऐसी तो सबसे पहले इट कम्स ओवर हियर आल्सो। दादा, आप लोगों ने अभी तक सुनी है? ज्यादा बड़ी न्यूज है, जरा सी न्यूज। पर लड़की में हिम्मत है कि कॉलेज के अंदर उसने पूरा अपने कपड़े उतार। यहाँ पे तो फोकस वो था जिसमें वो जाती है और एक कार आती है, उसमें से निकलते हैं पुलिस वाले, उसको पकड़ के अंदर कर देते हैं। वो मैंने नहीं देखा। चलो, मेन न्यूज थी। अच्छा। कि ऐसे पकड़ के अंदर लेके चले गए। हाँ। ब्लैक पूरे कपड़े पहन के कमांडो टाइप आए थे, उसको लेके चले गए। उसकी उसकी मर्जी है, वो कोई बहुत इनडिसेंट नहीं थी। लोग बिकनी पहन के स्विमिंग पूल में नहीं जाते हैं, तो बस वैसे ही था। वो एक स्टेटमेंट दे रही है कि कितना तुम कंट्रोल कर रहे हो, औरतों की जिंदगी खराब करके रखी हुई है। तो चलो यार, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अपनी जींस उतार दी है और इन ज़लीलों और कमीनों से, इन मुल्लाओं से कहती है कि अब तुम्हें जो मेरा बिगाड़ना है, जो मेरा करना है, जो तुम्हारी मजहब के नाम पर गुंडा गर्दी को बर्दाश्त ना करे, तुम उसे मानसिक तौर से बीमार बोलते हो। और हकीकत यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मानसिक बीमार तुम ही हो। तो ये अभिनेत्री का काम नहीं होता। अभिनेत्री देश में हमने एक से एक देखी है साहब। वहीदा रहमान से लेकर अगर आप कैटरीना कैफ तक आ जाए, या ये गाजा की महिलाएं ज्यादा अनफॉर्चुनेट या बदनसीब हैं जिनको दुनिया के सबसे बुजदिल मर्द मिले। 3-4 दिन बाद तुम कह रहे हो, अरे नहीं भैया, ये एयर अटैक में तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, इसका तो हमें जवाब देना होगा। तो एक तरफ ये महिलाएं। तो साथियों, कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का थंबनेल बनाना पड़ेगा कि सलाम है इस ब्रा बेंटी वाली को। और मैंने एडिटर से बोल दिया है कि जब इस शेरनी को दिखाओ, एक वो थी ना शेरनी, याद है? तो मैंने एडिटर को बोल दिया है, जब इस शेरनी को दिखाओ तो इसे ब्लर ना करना। ये मानो ये अपने रणभूमि के कवच में है और हाथ में तलवार लिए हुए है और जुल्म के खिलाफ लड़ रही है। तो मैंने कहा ब्लर ना देरी करना। थी और आज के वीडियो में आई कॉल फॉर कंट्री में सबके सामने, बेटियां बहने जरूर देखें उस कंट्री में, करना वेरी डेयरिंग, क्योंकि वो तय करें कि आज जो 5 तरह की महिलाओं की बात कर रहा, बाकी सब बुरकों में थी पूरी, मैं तो बोल रहा हूँ उस कंट्री में ऐसा करना इज डेयरिंग, किस कैटेगरी में, किस श्रेणी में रखना चाहती हैं। और 2 सवाल पूछूंगा, माताएं बहने बेटियां इस बात का जवाब जरूर दें। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से सलाम है, सलाम करता हूं इस ब्रा पैंटी वाली को। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो कभी सोचा ना था कि वीडियो का थंबनेल होगा या वीडियो का टॉपिक होगा सलाम है ब्रा पैंटी वाली को। क्रांति के साथियों अपने अपने तरीके होते हैं, चिढ़ के, नफरत के, किसी को दबाओगे, किसी के अरमान कुचलोगे, तो उसके विरोध के भी लोगों के अपने अपने तरीके होते हैं। महाशा अमीनी आप लोगों को अच्छी तरह याद होगी, वो यंग गर्ल जिसे थोड़ा पीछे रह गया था, ना पहनने के चक्कर में कुछ कमीनों ने, कुछ जलीलों ने गिरफ्तार करके इतना मारा था कि वो मर गई। इसका भी उसके बाद जब प्रोटेस्ट होने शुरू करे, तो इन जलीलों ने और कमीनों ने अपने मुल्क की महिलाओं पे इतने जुल्म करे, बाकायदा फायरिंग करी, जिसमें आंकड़े बताते हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं कि लगभग 600 लोगों की गोली लगने से हत्या करी यहां की आतंकी रिजीम ने। बात कर रहा हूं ईरान की, जो एक जमाने में खुशनुमा पर्शिया हुआ करता था। लेकिन सारी औरतों को खड़े हो जाना चाहिए सपोर्ट में, डिक्टेटरशिप है जिसमें तो जितना सबको मार रहे हो, और कुछ महिलाओं के साथ या उनकी गोद में बच्चे थे जो भगदड़ से मरे थे जब इन जलीलों ने और कमीनों ने उन निहत्थी महिलाओं के ऊपर गोलियां चलाई थी। 2 दिन पहले एक महिला कोई आज़ाद यूनिवर्सिटी करके है तेहरान में, वहाँ पढ़ने जाती है, वो जीन्स पहने हैं और टी शर्ट पहने हैं। वहाँ की जो मॉरल पुलिस है,
उसको मॉरल पुलिस भी होती है, वही तो मैं पंगा करी सारा। मौके पर कोई उसे मौखिक सजा भी देती है, रिपोर्ट्स ये बता रही है ये हुआ है, लेकिन उस वक्त का कोई वीडियो मुझे ढूंढने से मिल नहीं मिल पा रहा है। दो दिन बाद वो फिर से अपनी यूनिवर्सिटी लौटती है, एक अपने अंदर हिम्मत पैदा करके लौटती है, आके सीढ़ियों पर बैठती है, सीढ़ियों पर बैठकर साथियों अपनी टी शर्ट उतारती है, अपनी जींस उतारती है, और इन जलीलों और कमीनों से, इन मुल्लाओं से कहती है कि अब तुम्हें जो मेरा बिगाड़ना है जो मेरा करना है कर लो। यार वाकई सलाम है, कभी मैंने नहीं सोचा था कि मेरा सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए सबको, कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि सोशल मीडिया को या मीडिया को जब हम लोग कभी कुछ रील्स देखते हैं और इस तरह का जब कोई इस तरह का इस मारे बोल रहा हूँ, कपड़ों के सिर्फ लिहाज से उसकी तुलना किसी से नहीं करी जा सकती, क्योंकि मैं कह रहा हूँ सलाम है इस महिला को, इसकी हिम्मत को कि हम उसकी आलोचना करते हैं कि क्या ये सोशल मीडिया को बना रखा है, क्या इंस्टा को बना रखा है वगैरह वगैरह। लेकिन बाकी साथियों सलाम है इस महिला को, इसने जो जवाब दिया है, इसने जो गीला जूता करके जो इनके मारा है इन जलीलों और कमीनों के, यार इस महिला के लिए सबको सपोर्ट में होना चाहिए था उसके, इसकी जितनी तारीफ करूं यार मैं बस मैं क्या बोलूं, मैं जो मैं बस मेरे पास अल्फाज नहीं है यार इस महिला के लिए जो इसने जूता खीला करके इनके मुंह पर मारा है। गिरफ्तार कर ली गई है कह के कि मेंटली अपसेट, मानसिक तौर से बीमार थी। अरे जलीलो तुमने तो उनसे उनको भी मानसिक तौर से बीमार बोला था, महाशा अमीनी को भी तुमने बीमार बोला था, उसके समर्थन में जो तुमने 600 से 1000 महिलाओं को जो गोलियां मारी, अरे जलीलो अरे कमीनो तुमने तो उनको भी मानसिक तौर से बीमार बोला था, जो तुम्हारी मजहब के नाम पर गुंडागर्दी को तो वैसी रही है खुले ब्लैक, तुम उसे मानसिक तौर से बीमार बोलते हो, और हकीकत यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मानसिक बीमार तुम ही हो। तो सलाम है इस महिला को, और इसकी भाई जितनी तारीफ करी जाए वो कम है। सवाल जो मुझे आप लोग से पूछना था वो अगली महिला की बात करूंगा, फिर एक सवाल पूछूंगा, फिर एक वीडियो के एंड में सवाल पूछूंगा। एक तुम्हारा समाज है जहां चिड़ में अपना पैगाम पहुंचाने के लिए दुनिया को और समाज को ये महिला ये कर रही है, और दूसरी तरफ एक समाज है जहां की महिलाएं मोस्ट मॉडर्न फाइटर बॉम्बर्स ऑफ द वर्ल्ड लेकर 1200 किलोमीटर दूर बेचारी मर रही है, तुम्हें तुम्हारी औकात बताने और ये तुम्हें बताने कि बेटा इजराइल की जितनी भी है गर्ल्स और बॉयज दोनों कॉम्बैट में जाते हैं ना, इक्वल है, कॉम्बैट जाते हैं वो भी मर रहे हैं, लड़कियां मर रही हैं, ये एयर अटैक का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, इसका तो हमें जवाब देना होगा। यही न्यूज थी जो मैंने सुनी थी, और देख लो हिम्मत है, और लोग कैसे बुज़िल, और औरतें कितनी हैं कि एक औरत तुम्हारी लड़ाई के लिए खड़ी हुई है, वो सारे उसको या तो तुम उसको क्लैपिंग से उसका सपोर्ट करो, उसको ये करो, वो अंदर जाके इग्नोर कर रही है, सारे एक खड़ी हुई है तुम्हारे, वो तुम इकट्ठे होगे तभी सोसाइटी में कुछ चेंज ला पाओगे। तुम उन सबको देखो पूरे कालों में काले कपड़ों में पूरा लेके गए हैं, जब छोड़ेंगे देन शी विल बिकम अ लीडर, नहीं छोड़ेंगे जैसे पार्टियों के साथ किया है, पता नहीं बेचारी के साथ क्या होगा, ये इनकी सोसाइटी को तो मार दिया था, तो ये इनकी सोसाइटी है कि कोई भी सब उसको इग्नोर कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं जैसे वो वहां है ही नहीं। नहीं तो किसी को उसको इनकरेज करो कि हाँ तुम ये कर रहे हो, या उसको कुछ सपोर्ट करो, ताकि जब ऐसे लग रहा है कि कई तो ऐसे फोन पे लगे हुए जैसे लग रहा है कि वो पुलिस को बुला रहे हैं, वो कईयों पे तो शक ऐसे हो रहा था, और औरतों को देख के तो ज्यादा शौक लग रहा था कि वो तो ऐसे कर रही है जैसे वो वहां एग्जिस्ट ही नहीं कर रही लड़की। हाँ नहीं तो सबसे पहले आंख नजर उस पे जाएगी कि ये क्या हुआ यहाँ पे, हाँ जिस तरह से उसने कपड़े पहने, पर सब ऐसे उसको इग्नोर कर रहे हैं, जबकि वो तुम्हारे देश में बदलाव लाना चाहती है, इक्वल राइट वहां पे ऐसी है, बहुत खराब सोसाइटी है, खमेनी है तो ऐसा ही होगा, बाप रे की है, और वो इजराइल अगर कोई रिलीजियस लीडर हटेगा तभी ऐसा कुछ होगा, तो दे कंट्री एक बार जो चेंज हो चुकी है मे बी दे वांट टू अनदर चेंज जैसे पहले थे विच वी डोंट नो। नहीं और उस एक तरफ ये देख लो, और एक भी एक इजराइल का एग्जांपल दिया जहां पे दोनों इक्वल है, क्या आदमी क्या औरत दोनों इक्वल है, ऐसी होनी चाहिए सोसाइटी,
कि इक्वल राइट्स, इक्वल सब कुछ होना चाहिए। और यहाँ पर देखो दबा कर रखा हुआ है, दबा कर। अब तो ये घबराहट हो रही है सोच के कि इसके साथ करेंगे क्या, क्योंकि ये तो इनका गेम है कि भैया मेंटली अनस्टेबल है, ये है वो है। अरे मेंटली अनस्टेबल वो नहीं है, तुम्हारी सोसाइटी मॉरल पुलिस है जो ऐसे काम कर रही है। पता नहीं किस टाइप के लोग हैं जो मॉरल पुलिस में जाके ज्वाइन हो रहे हैं, उनका भी दिमाग वो मेंटल तो वो हैं। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।